ये देखिए कितने बढ़िया मठे के आलू बनकर के तैयार हुए हैं। ये उत्तर प्रदेश की फेमस रेसिपी है। ये उत्तर प्रदेश में बहुत ज़्यादा बनाई जाती है। अगर आपको ये अच्छी लग रही है तो प्लीज़ इसका वीडियो पूरा देखिएगा और मेरे वीडियो को लाइक करिएगा। हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू रूबी किचन एंड ब्लॉग। आज मैं फिर से हाजिर हूँ एक नई वीडियो के साथ, जिसमें मैं बनाऊँगी मट्ठे के आलू। हमारे गाँव में इसे रसा भी बोलते हैं। मैं बना रही हूँ मट्ठे के आलू, जिसके लिए मैंने मीडियम साइज़ के 5 उबले हुए आलू लिए हुए हैं और यहाँ पर मैंने 4 से 5 हरी मिर्ची ली हुई थी, एक अदरक का टुकड़ा लिया हुआ था जिन्हें मैंने बड़े बड़े टुकड़ों में काट लिया है। अब मैं इन्हें खल्लड़ में कूट लेती हूँ। मैंने अदरक हरी मिर्ची को कूट लिया है। अब हम चलते हैं बनाने की तरफ। इसके लिए मैंने गैस पर कढ़ाई चढ़ाई हुई है, जिसमें हम तेल डाल देंगे। मैंने यहाँ पर सरसों का तेल डाला हुआ है, इसे हम गरम होने देंगे। तेल हमारा गरम हो रहा है, तब तक हम आलुओं को फोड़ लेते हैं। आप काट कर भी डाल सकते हो, लेकिन फोड़ कर टेस्ट तो मुझे ज़्यादा अच्छा लगता है, इसलिए मैं फोड़ कर ही डाल रही हूँ। तोड़ लेती हूँ मैं ऐसे करके सारे आलुओं को। ये मैं सारे आलुओं को बड़े बड़े टुकड़ों में तोड़ लिया है। यहाँ पर हमारा तेल भी गरम होने ही वाला है। तेल हमारा गरम हो चुका है, अब हम इसमें जीरा डाल देंगे। उसके बाद हम हींग डाल देंगे। हींग आप जरूर डालें, हींग से बहुत ही अच्छा टेस्ट आता है। जो हमने अदरक और हरी मिर्ची डाल रखी है वो भी हींग डाल देंगे। अब इन्हें हम थोड़ा सा भून लेते हैं। इसमें लहसुन प्याज डालने की जरूरत नहीं होती, बहुत ही सिंपल सी ये सब्जी है और बहुत ही टेस्टी बनकर के तैयार होती है बिना लहसुन प्याज के भी। आप इस तरीके से एक बार ज़रूर बनाएं, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर करिएगा। अब देखिए ये अदरक हरी मिर्ची हमारे भुन गए हैं, अब हम इसमें हल्दी डालेंगे 1 छोटा चम्मच। इसमें जो हमने आलू फोड़ के रखे हुए थे हम वो डाल देंगे। अच्छे से मिला लेते हैं मसाले में, मतलब हल्का भून लेते हैं तेल में। आलू हमारे तेल में भून गए हैं, अब इसमें हम मसाले डाल देंगे। इसमें हम ये 1/2 छोटे चम्मच लाल मिर्च पाउडर डाल रहे हैं। नमक आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग डालिएगा। धनिया पाउडर डाला है मैंने, हल्दी मैंने पहले ही डाल दी थी, गरम मसाला मैं बाद में डालूंगी। मसाले भी हमने इसमें भून लिए हैं, अब इसमें हम डालेंगे मट्ठा। मट्ठा हमारा खट्टा है, इसलिए हम इसमें पानी भी ऐड करेंगे। पानी मैंने ऐड कर दिया है। अब हम इसमें उबाल आने तक इसे हम ऐसे ही चलाते रहेंगे, फुल फ्लेम कर लीजिएगा। जब तक इसमें उबाल नहीं आ जाता तब तक हम इसे चलाते ही रहेंगे, वरना मट्ठा ना फट जाता है, इसलिए हमें इसे चलाते ही रहना है। बिना ताम झाम की बहुत ही टेस्टी सब्जी बनकर तैयार होगी, आप एंड तक जरूर देखिएगा। इसमें उबाल आना शुरू हो गया है। इसी टाइम पे मैंने ये 2 बड़ी बड़ी हरी मिर्ची काट के रखी है, लंबे लंबे टुकड़ों में, मतलब तो इन्हें डाल देंगे और इन्हें इसे हम 6-7 मिनट तक ऐसे ही उबलने देंगे। काफ़ी अच्छी सब्जी बन करके तैयार होगी। इसे उबलने देते हैं हम। इसे उबलते हुए 7 से 8 मिनट हो गए हैं, आप देख ही सकते हो कितनी बढ़िया बन करके तैयार हुई है। अब हम इसमें गरम मसाला डाल देंगे। आधा छोटी चम्मच डालेंगे गरम मसाला। जरूर डाल।
आपको इसे एक पतीले में निकाल करके दिखाते हैं कैसी बनी हुई है हमारी सब्जी। ये देखिए दोस्तों कितनी बढ़िया बनकर के तैयार हुई है। ऊपर से भी हम थोड़ा सा हरा धनिया डाल देंगे। ये हरा लग क्यों नहीं रहा है?